नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। 1 जनवरी 2020 यानी नए साल में प्रवेश के साथ ही बैंकों से जुड़े ये 5 नए नियम बदल जाएंगे और इसे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जैसे लोन सस्ता होगा या महंगा, फंड ट्रांसफर करने के तरीके में क्या बदला, गाड़ियां महंगी हुई या सस्ती, साथ ही सेविंग्स स्कीम में भी कुछ बदलाव हुआ है क्या, आपके इन सभी सवालों का जवाब आइए अब हम आपको देते हैं। जी हाँ, ये हैं वो 5 नए नियम। पहला, SBI ने रिपो रेट से जुड़ी कर्ज की दरों में 0.25% की कटौती की और अब 30 लाख तक के होम लोन पर 468 रुपए का आपको फायदा मिलने वाला है। दूसरा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल से पहले अब आप पैसा नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन यह नियम इस योजना के पुराने खाते पर लागू नहीं होगा। तीसरा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT के जरिए लेन देन करने पर अब आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। वहीं रुपे कार्ड और UPI डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। चौथा, SBI खाता धारक अगर SBI के ATM से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10,000 से ज्यादा कैश की निकासी करता है तो उसे विंडो स्क्रीन पर OTP देना होगा और यह OTP आपके फोन पर मैसेज द्वारा बैंक आपको प्रदान करेगी। और पांचवा, SBI के मैग्नेटिक यानी काली पट्टी वाले ATM कार्ड भी अब नहीं चलेंगे, क्योंकि 1 जनवरी से EMV चिप और पिन वेस्ट कार्ड ही चलेंगे। तो ये थे नए साल के प्रवेश में बैंक द्वारा बनाए गए 5 नए नियम। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबा दें। इसके साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।